लर्न टू एक्चुअलाइज चैनल पर जो वीडियो अपलोड करता हूँ उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं वहां पर उत्तर नहीं दे सका, क्योंकि वो थोड़े उत्तर लंबे या क्वालिटेटिव हो जाते हैं, दैट इज वाई यहाँ अलग वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट है दिल से आपका, ये रहा सर पंजाबी का सिलेबस दस दियो। पंजाबी का सिलेबस एक वक्री वीडियो भी बनाई है जिस विच सिलेबस ते पैटर्न दी है, उस विच वो देख सकते हो, लेकिन इतने एक पुरानी वीडियो है जेडी एक्सपेक्टेड सिलेबस सी ओ दस्या गया सी, ओ ना देखियो क्योंकि हुन नवा सिलेबस जो आ चुका है वो देखियो, फिर तो तुहानू दिखा देना हां। प्रोस्पेक्टस दे विच पिया है, तुसी उत्थे जाके देख भी सकते हो। फर्स्ट पार्ट है, ए फोटो क्लिक जो भी है करना तुसी कर सकते हो। ये रहा ठीक, फर्स्ट पार्ट है जनरल अवेयरनेस टेस्ट इस दा जो है एजुकेशन साइंस सोशल साइंस, क्लिक कर लो, मेरे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्ट बी टीचिंग पोटेंशियल क्लिक कर लो, इतो है ना फोटो खिंच लो इसकी। दूसरा है तीसरा जनरल मेंटल एबिलिटी 30 मार्क्स, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है सिलेबस की ये है। इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज है उसका सिलेबस इको जहा रखा गया है। ग्रामर इडियम्स वोकैबुलरी करेक्शन एंड पंक्चुएशन रिटन कॉम्प्रीहेंशन पंजाबी का या हिंदी उन्होंने भी सेम है। पंजाबी सिर्फ वो ऑप्ट कर सकते जिन्होंने मैट्रिकुलेशन तक पंजाबी पढ़ी है, अदरवाइज उन्होंने हिंदी लेनी पड़ेगी। सिलेबस की है पंजाबी का, ये तुम पूछे से ग्रामर इडियम्स वोकैबुलरी करेक्शन पंक्चुएशन रिटन कॉम्प्रीहेंशन ठीक। सो इस दे इर्द गिर्द तुहानू तैयारी करनी होगी। वापस चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर सिलेबस दस हो गया जी। सर रूरल सर्टिफिकेट की जगह रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? आएगी प्रॉब्लम, रेजिडेंस सर्टिफिकेट रूरल के लिए नहीं चलेगा ठीक। रूरल में कौन सा सर्टिफिकेट चलेगा कि आपने अगर ये आपकी कंडीशन फुलफिल होती है, आपने 10th and 10+2 दोनों ही एक नहीं दोनों ही रूरल एरिया के स्कूल से की है, तो उस स्कूल के हेड से आपको सर्टिफिकेट लेने होगा और उस सर्टिफिकेट पर डीईओ या सरपंच के सिग्नेचर करवाने होंगे, वो वाला सर्टिफिकेट चलेगा। देखिए अगर आपको कंफ्यूजन है जहां सर्टिफिकेट नहीं बनता, जहां 10th की है प्लस टू नहीं की या प्लस टू की है 10th नहीं की, तो आप पंगा मत लीजिए। आपका 1% के लिए आप ये गलत कुछ भी प्रैक्टिस मत कीजिए, क्योंकि 1% के नुकसान से कुछ नहीं है। आप इतनी सी मेहनत कर लीजिए, वैसे भी सीट मिल जानी है, अलग एक वीडियो पर मैं बता दूंगा कि सीट मिल जाएगी। हाँ थोड़ी जहां आपको नजदीक चाहिए इस कॉलेज में चाहिए, उनको थोड़ा सी मेहनत कर लेनी चाहिए। इतनी वीडियो बना रहा हूं जिन्होंने मेहनत नहीं भी की उनके लिए बना दूंगा कि कैसे मार्क्स अच्छे लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं आगे। ये हो गया सर एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे हिसाब नाल आऊगा जां सब ले सेम होगा? एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस जेड़ा पिछे मैं दस के आया हाँ वो ही रहेगा, ओदा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना किसी ना लेना देना नहीं है। मतलब आंसर की है सब नहीं कॉमन ही सिलेबस आएगा ठीक। सर मैं फॉर्म में मैट्रिक का एक सब्जेक्ट लिखना भूल गई, अब कैसे ठीक करूं? है ना मैट्रिकुलेशन का आप वही जो मेल एड्रेस मैंने अभी बताया है यहाँ पर, ये हो गया वो, और यहाँ पर आप जाइए यहाँ पर, ये ना मेल एड्रेस यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ pbbedadmissions2022@gnd.ac.in क्या है, ये ईमेल एड्रेस है। आपने अपने जो प्रॉब्लम है कि आप बीएड का जो 10th का नहीं लिख सके एक, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे नहीं आएगी, फिर भी आप एक मेल कर दो कि मैं दो ही लाइनें आएंगी, मैं ये वाला सब्जेक्ट नहीं लिख सकती, काइंडली इंक्लूडेड। आप नीचे अपना नाम, अपनी आईडी, जो भी आपका आइडेंटिटी है ना, जो फॉर्म का नंबर है, वो जरूर देना है। आप नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन बड़ी होनी चाहिए, आपकी फुल होनी चाहिए कि किसका उन्होंने चेंज करना है ठीक। अदरवाइज जो है आपकी जो रिक्वेस्ट है वो ब्रीफ होनी चाहिए कि मैं 10th का ये वाला सब्जेक्ट फिल नहीं कर सकी, काइंडली इसको फिल कर दीजिए, ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है और मेरा नाम है वगैरह, आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी ठीक। नेक्स्ट है सर टोटल फी कितनी है बीएड की यदि सिलेक्ट हुए तो?
देखिए ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हो, किस कॉलेज में जाना चाहते हो। गवर्नमेंट कॉलेज में जर्नी कम होती है, लेकिन अब इतनी कम भी नहीं रही। और दूसरा है जो बीएड का कॉलेज प्राइवेट है जहाँ एडेड है, प्राइवेट खास करके, वो जो जहाँ जो अगर फिल नहीं होते, सीट्स बहुत है उनके पास, नेचुरली वो बार्गेन करके डाउन आ जाते हैं, ये भी बात है। और कुछ लोग, कुछ जो कॉलेजेस हैं वो क्वालिटी वाले हैं, स्टेटस वाले हैं, वो किसी भी हालत में फीस कम नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो उनकी लगभग 1,05,000-10,000 के करीब चल रही है, ये ऐसी चल रही है। लेकिन जो अप्रूव्ड फीस है वो इससे ज्यादा है ऑलरेडी। सभी प्राइवेट कॉलेज जो अप्रूव्ड फीस है उससे कम ही ले रहे हैं, कारण उसका ये है कि सीट्स फिल नहीं हो रही पिछले सालों से। दैट इज व्हाई ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हो, किस कॉलेज में लेना चाहते हो और वहां की सीट्स कितनी फिल हो रही हैं। अगर ज्यादा फिल हो रही हैं, नेचुरली वो मैनेजमेंट कोटे का भी ज्यादा लेंगे, ठीक है, 2 लाख तक भी, 1.5 लाख तक भी, 2.25 लाख तक भी हो सकती है, अगर वह उनके पास कैंडिडेट ज्यादा है मैनेजमेंट कोटा के लिए, ठीक है। तो दूसरे भी कैंडिडेट से वो उतनी फीस ले सकते हैं जितनी गवर्नमेंट या उसके द्वारा निर्धारित है। तो दैट इज वाई इसको मैं फिक्स आंसर अभी नहीं दे सकता, एक अलग से वीडियो इसका जरूर बना दूंगा। सर प्लीज बताइए, रूरल सर्टिफिकेट का बिना एडमिशन हो जाएगी? यस, रूरल सर्टिफिकेट के बिना आपकी एडमिशन हो जाएगी, आप लाइन में लगोगे। आंसर आपका ये है कि सिर्फ आपको जो 1% जो आपका मेरिट रिजल्ट आता है, जितने पे मार्क्स आते हैं उसमें प्लस हो जाने हैं, 1% और मिलने हैं, वो 1% आपको नहीं मिलेंगे। आप उसकी जगह मेहनत ज्यादा कर लीजिए, रूरल की आपको जरूरत नहीं रिजर्वेशन की, कोटे की पड़ेगी, ठीक। सर हम ऑनलाइन जब फॉर्म फिल करते हैं तो बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद जब सेव नेक्स्ट करते हैं तो फोटो और सिग्नेचर वाला स्टेप ओपन हो ही जा रहा है, तो आप बताइए कुछ। सर जो ओपन हो रहा है आप उसको अपलोड कर दो, करते करते ही वो नेक्स्ट पर जाएगा, आप उसका कहना मानो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम फीस सबमिशन में डिपॉजिट करने में आती है या ऐसी कोई आती है तो फिर मेरे से पूछ लीजिए, अदरवाइज ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ही प्रोसीड कीजिए। सर प्लीज पंजाबी का सिलेबस दस दो, दस चुका जी, थैंक यू वीडियोली। एडमिशन हो जाएगी उसके बिना, ये कह रहे थे कि यही वो वाला क्वेश्चन है कि रूरल सर्टिफिकेट के बिना, रूरल वाले के, हाँ एडमिशन उसके बिना हो जाएगी। आपका रैंक क्या है, कहाँ लेना चाहते हो, ये डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एडमिशन सबको मिल जानी है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, अगर और क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। थैंक यू। प्लान टू एक्चुअलाइज, डॉक्टर तीरथ सिंह।